यार यहाँ पर बोटिंग करके भाई सच में कितना मजा आ रहा है। बताओ गाइस, मेरे घर के सामने जो पहाड़ी है ना उसकी जस्ट पीछे ही गाइस ये इतना बड़ा भाई समुद्र है जहाँ पर गाइस काफी सारा पानी है। गाइस मेरे को तो यार कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, डेली गाइस यहाँ पर भाई मैं अपनी छोटी बोट लेके आ सकता हूँ और भाई मस्त करके बोटिंग कर सकता हूँ और भाई फुल टू फुल एंजॉय कर सकता हूँ। पहले गाइस अगर मेरे को बोटिंग करनी होती थी ना तो गाइस मैं अपने घर से यार पूरे के पूरे 200 किलोमीटर दूर यार बीच पर जाता था जब जाकर गाइस बोटिंग करता था। लेकिन भाई अब मेरे को भाई फाइनली पता लग चुका है कि भाई हम यहाँ पर आके भी बोटिंग कर सकते हैं। वैसे तो गाइस मेरे को पता था ये भाई मेरे घर के सामने जो पहाड़ी है उसके जस्ट पीछे ये इतना बड़ा समुद्र है, लेकिन मुझे लगता था गाइस यहाँ पर ये जो पानी है ना ये बिल्कुल भी भाई सेफ नहीं है। यहाँ पर गाइस अगर हम गलती से गिर गए तो भाई डूब जाएंगे और साथ ही साथ में गाइस मुझे लगता था ये भाई कीचड़ का पानी है तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर आता नहीं था। लेकिन गाइस मुझे कल ही पता लगा भाई ये कोई कीचड़ वीचड़ का पानी नहीं है, ये एकदम प्योर पानी है भाई, हम चाहे तो इसे पी भी सकते हैं। और यार अगर मैं यहाँ पे सच में सिंचन और चिंटू को लेके आया हुआ था ना तो गाइस और मजा आता, सच में उनको भी मजा आता साथ साथ में गाइस मेरे को भी मजा आता। अभी गाइस मैं थोड़ा बहुत बोर हो रहा हूँ, अगर वो दोनों होते तो बोर भी नहीं होता मैं। अरे लिटिल सिंघम बेटा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लिटिल सिंघम बेटा हम किसी और की गली में आ गए। अरे नहीं पापा जी हम सही गली में तो जा रहे हैं, लगता है आप रास्ता भूल गए। एक काम कर लिटिल सिंघम बेटा मुझे तू ना रास्ता बताता रहे, मैं भूल गया, मुझे ऐसा लग रहा है पापा जी पीछे वाली गली है शायद, पीछे वाली गली है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया, लगता है मेरे को बादाम भिगो के खाने पड़ेंगे जब भी लिटिल सिंघम बेटा ये जो मेरी अकल है ना ठिकाने आएगी। अरे पापा जी मुझे तो ऐसा लगता है पापा जी आप डेली मेरे को मारते हो ना, इसलिए पापा जी आपकी जो अकल है वो कमजोर हो गई है, आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है पापा जी, सीधी बात तो ये है। अच्छा मतलब आज के बाद से मैं तेरे को मारना बंद कर दूंगा तो ये जो मेरी याददाश्त है ये सही हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ठीक है लिटिल सिंघम बेटा मैं तेरे से वादा करता हूँ अब मैं तेरे को कुछ दिन नहीं मारूंगा। अरे पापा जी कुछ दिन नहीं, पापा जी अब वादा करो कि बहुत दिन तक नहीं मारोगे, वैसे भी अब तो आप मेरे को काफी अच्छे लगते हो। हाँ जो तेरे को रिमोट कंट्रोल कार दिला दिया मैंने इसलिए अच्छा लगता हूँ ना। हाँ पापा जी कुछ भी कहो यार आज तो आपने बेझिझक करके यार रिमोट कंट्रोल कार दिला दी मेरे को, अब तू लिटिल सिंघम बड़ा हो गए इसलिए अब मैं ना तेरे को मारे करूंगा और साथ ही साथ में लिटिल सिंघम बेटा जो भी तू मुझसे बोलेगा मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करे करूंगा। अरे पापा जी थैंक यू चल ठीक है इसे मारूंगा रात को। अरे आजा चिंटू भाई आजा, लिटिल सिंघम का कॉल आया था यार, वो बोल रहा था आज ना उसके पापा उसको रिमोट कंट्रोल कार दिलाएंगे, चल के यार आजा उसकी रिमोट कंट्रोल कार से खेलेंगे। अरे चाची रुक जा मिले, अरे अभी जा यार ज्यादा तेज भागा कर जब तेरी हाइट लंबी होगी। यार इसकी तो गाइस हाइट ही नहीं बढ़ रही चिंटू की, चलो छोड़ो जाके रिमोट कंट्रोल कार चलाने को मिलेगी आज तो। तो गाइस यार अभी मैंने क्या डिसाइड करा कि भाई अभी मैं जाता हूँ घर पे और उसके बाद गाइस सिंचन और साथ ही साथ में चिंटू और गाइस शॉप को भी भाई लेके चलता हूँ गाइस वहीं पर और भाई बोटिंग करेंगे हम सारे के सारे मिलके। पहले गाइस अपनी बाइक को यार यहाँ पे गैराज के अंदर खड़ी कर देता हूँ, आजकल क्या हो रहा है ना गाइस अपने लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा चोरी हो रही है, इसलिए गाइस बाइक गाड़ी जो कुछ भी भाई गैराज के अंदर रखो, अगर गलती से गाइस हमने बाहर रख दिया ना पता भी नहीं चलेगा भाई कब दिन दहाड़े भाई चोरी हो जाएगी। हेलो सिंचू चिंचन भाई का हो, अब बात सब को ले क्या बोल रहा है बात सब, लगता है बात सब चिंटू का नाम बदल दिया तूने। अबे चॉप के बच्चे गलती से भाई उसका नाम बिगाड़ दे मैंने, ये बता फटाफट से आखिरकार चॉप वो कहा है सिंचन और चिंटू। अब बात सब मुझे लगता है बात सब वो गए बात सब खेलने के लिए बाहर, खेलने के लिए गए। अरे फिर तो भाई मैं सो रहा हूँ, मेरे को गाइस नींद भी आ रही है थोड़ी बहुत, रात को जाएंगे बोटिंग शोटिंग करने सो जाता हूँ यार मैं तो। अरे पर लिटिल सिंघम चाचू ये बताओ मुझे कब दिखाओगे चलन के लिए, अबे अभी तुम दोनों के दोनों चुपचाप खड़े रहो समझ रहे हो, सबसे पहले मैं चलाऊंगा। अरे वैसे लिटिल सिंघम भाई तेरे पापा ने तेरे को रिमोट कंट्रोल कर दिला कैसे दी यार, वो तो कभी तेरे को कुछ दिलाते नहीं। अबे मेरे पापा सुधर गए भाई, अब मेरे को हर चीज दिलाएंगे जो मैं उनसे बोलूंगा। अरे क्या कर रहा है, अरे देखना क्या कर रहा है चाचू ये। अरे लिटिल सिंघम याद रखिए अगर चिंटू के जरा से भी खर्च होगी ना तो तेरी रिमोट कंट्रोल कार को पानी में फेंक दूंगा। अबे सुनचान ऐसा बोल रहा है जा फिर निकल भाई यहां से। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, वैसे कुछ भी कहो गाइस इसकी बाइक तो यार मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। ए चाचू ये बाइक है क्या, अरे मेरा मतलब यार गाड़ी यार लिटिल सिंघम यार ये जो तेरी यार गाड़ी है एक बार दिखा दे चलाने को प्लीज यार, क्योंकि यार मेरे फ्रैंकल भैया मेरे को दिलाएंगे अभी कुछ ही दिनों में रिमोट कंट्रोल कार। अबे सुनचान मुझे नहीं लगता भाई फ्रैंकल भैया तेरे को कभी दिलाएंगे रिमोट कंट्रोल कार, एक काम करता है सुनचान भाई तेरे पड़ोसी घर में लेकर चले गए इस गाड़ी को। अरे हाँ ये सही है भाई मेरे पड़ोसी घर में लेके चल, कम से कम अपने पड़ोसी को परेशान करेंगे, वैसे भी यार कल रात उसने यार केले का छिक्कल खा के हमारे घर में फेंका था। अरे हाँ चाचू सही कह रहे हो, उस केले के छिक्कल से मम्मी फिसली जाती लेकिन वो बच गई। अरे यार भाभी बिना यार पता नहीं क्या करती रहती है, लेकिन लिटिल सिंघम को क्या हो रहा है गाइस ये तो गाड़ी भताओ यार पड़ोसी घर में डाली नहीं पा रहा। अब यार सिंचन मैं क्यों नहीं डाल पा रहा भाई, लगता है मैं प्रो नहीं हूँ बिल्कुल भी, ला तो मुझे दिखा अभी एक सेकंड में डाल दूंगा। अबे रुक सिंचन के बच्चे एक दो तीन ये ले, और बाप रे यार कहीं ये टूट टूट ना जाए। अरे छोड़ो यार टूट भी गई तो क्या हो गया, पापा जी ने वैसे ही बोला है कि जो चाहिए वो बता दियो वो दिला दूंगा, तो भाई टूट भी जाएगी ना भाई बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। अरे ले ये घुमा ये, ओए सिंचन रिमोट को मत टच करे, पता है बहुत महंगा रिमोट है मैं ही चला सकता हूँ इस रिमोट कंट्रोल की कार को। अरे वो रहा हमारा पड़ोसी खड़ा है, अबे ले ये क्या करवा दिया सिंचन के बच्चे, अरे ये तो गई यार पानी में गई। अरे लेकिन इसका कैमरा बहुत एचडी है यार कुछ भी कहो, अबे यार पानी में चली गई सिंचन ये तो। अरे ये क्या है, ये कोई गाड़ी थी अबे, लेकिन मेरे घर के अंदर कैसे गाड़ी आ सकती है, मेरे घर के अंदर पहले ही आई उसके बाद
मेरे स्विमिंग पूल में गिर गई। लगता है किसी की बच्चे की रिमोट कंट्रोल कार है, वो आता ही होगा इस रिमोट कंट्रोल कार को लेने के लिए। एक काम करता हूँ, दरवाजे पे जाके खड़ा हो देता हूँ, कोई भी अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश करेगा उसे घर में बिल्कुल ही मैं घुसने नहीं दूंगा। हाँ ये सही रहेगा, अभी ये कार अब मेरी होगी, मैं खेलूंगा इस गाड़ी से, बहुत बढ़िया। वैसे भी घर में आजकल मेरा मन नहीं लगता, जल्दी चलते हैं फटाफट से। कोई बच्चा नहीं, नहीं अभी तक तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा, बस आज कोई इसे लेने रहा है, फिर तो रात को मैं खेलूंगा इस रिमोट कंट्रोल कार से। अरे मैं तो लिटिल सिंह भाई तेरे से मना कर रहा हूँ, मजा भाई पड़ोस घर पे वो ना बहुत खड़ूस है यार, अब तेरी रिमोट कंट्रोल कार गई भाई पानी में, अब नहीं मिलेगी कभी भी, अब संचन ऐसे कैसे नहीं मिलेगी भाई। जाऊंगा लेके आऊंगा भाई अपनी कार, मेरे पापा जी ने पैसों से खरीदवाई थी। अरे और क्या भाई, सभी पैसे से खरीदते। ओए बालक कौन रे, कौन है, चल निकल मेरे घर के बाहर से निकल। ओए बुड्ढे मेरी गाड़ी गई है, गाड़ी दे गाड़ी, अबे चल निकल यहाँ से, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आई, देखा मैंने बोला था ये नहीं देगा, ऐसे कैसे देखा, गाड़ी दे रहा नहीं दे रहा बुड्ढे, वरना तेरे गाल पे चाट लगाऊंगा, चाट लगियो, अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ, समझ रहा बच्चे, तेरे को जेल में भिजवाऊंगा, पढ़ने लिखने की उम्र में रिमोट कंट्रोल कार चलाता है, जाके घर में बैठ के पढ़ ले। यार सच में ये रिमोट कंट्रोल कार देगा नहीं, बड़ा सन की बुड्ढा लगता है, रात में इसके घर में घुस के चोरी करनी पड़ेगी, जब जाके ये हमारी रिमोट कंट्रोल कार देगा। अरे पर चोरी क्यों करेगा लिटिल सिंघम, तो चोर थोड़ा है। अब देख सिंचन, इसके घर में से सोफा चुरा लूंगा रात को घुस के, उसके बाद बोलूंगा मेरी रिमोट कंट्रोल कार दे, उसके बाद ही तेरा सोफा दूंगा। अरे हाँ ये तो सही कह रहा है। अरे लेकिन गैस यार मेरे को अब रिमोट कंट्रोल कार चलानी है, लिटिल सिंघम ने तो यार अपनी रिमोट कंट्रोल कार गैस हमको चलाने को दिखाई नहीं है, अभी जाके फ्रैंकल भैया से बोलता हूँ, लेकिन यार वो घर पे नहीं हुए, तो वैसे भी यार वो कहीं गए हुए थे यार। अरे फ्रैंकल भैया घर पर हो या फिर नहीं हो? अरे बहुत बढ़िया, घर पर आराम से सो रहे हैं, यहाँ तुम्हारे यार दो दो भाई हैं जो कि यार चिंता में डूबे पड़े। अबे सिंचन क्या बोल रहे हो, ओए ओए सिंचन के बच्चे आराम से यार, तू सोने भी देता मेरे को तो बहुत तेज नींद आ रही है। अरे सोते ही रहोगे क्या यहाँ फ्रैंकल भैया, यार हमारी खोपड़ी पे बहुत ज्यादा टेंशन है, प्लीज हमारी टेंशन दूर कर दो ना। अबे सिंचन भाई तेरे को क्या हो गया भाई, तेरी खोपड़ी पे कैसे टेंशन आ सकती है, तू तो सिंचन फुल एंजॉय करता है भाई पूरे दिन भर में। अरे फ्रैंकल भैया मेरी खोपड़ी के साथ साथ यार चिंटू की खोपड़ी पर भी टेंशन है, हमारे पास रिमोट कंट्रोल कार नहीं है, प्लीज दिला दो। अच्छा ये बात है, तो इनको रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। अरे पापा जी आ गए, पापा जी मेरे को 5 रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, 5। अबे यहाँ पर मैं तुमको 1 रिमोट कंट्रोल कार नहीं दिलाऊंगा। अरे प्लीज फ्रैंकल भैया दिला देना, अगर तुमने दिला दी तो रात को मैं टीवी नहीं देखूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे यार सिंचन अगर सिंचन मैं तेरे को रिमोट कंट्रोल कार ना दिलाऊं तो, अरे तो फिर मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, जाओ नहीं कर रहा मैं तुमसे बात। अरे लगता है सिंचन को यार रिमोट कंट्रोल कार दिलाकर ही लानी पड़ेगी। लेकिन सिंचन भाई मैं तेरे को रिमोट कंट्रोल कार नहीं दिला सकता। अरे यार गिराओ मत फ्रैंकल भैया, यार कुछ भी हो जाए रिमोट कंट्रोल कार दिलाना, लेकिन सिंचन मैं सस्ती वाली दिलाऊंगा, वो जो 100 रुपए में आती है। अरे नहीं फ्रैंकल भैया रिमोट कंट्रोल कार ही चाहिए जो कि 1000 में आती है। गाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, जब भी फ्रैंकल भैया दिलाएंगे यार हमको रिमोट कंट्रोल कार, प्लीज गाइस आप लोग लाइक कर दे यार, और फ्रैंकल भैया को बोला कि हमको रिमोट कंट्रोल कार दिला दे। एक सेकंड वेट यार सिंचन, ये क्या चीज है भाई जो रोड पे पड़ी हुई है, ये कोई इंसान है क्या? लेकिन वेट यार इसकी शक्ल कैसी हो रही है सिंचन भाई, सफेद सफेद। ओए सिंचन ये कहीं भूत तो नहीं है भाई, दोपहरी में हमको भूत तो नहीं मिल गया? अरे बाबरे इसकी शक्ल देखने कितनी डरावनी है, और इसके हाथ भी गैस हिल रहे हैं, और इसके जो पैर है भाई वो जमीन के अंदर घुस गया। मेरे को तो सिंचन काफी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी गैस उठाते हैं इसको। अरे ये उठा दिया मेरे को, बहुत अच्छे खुद इंसान मेरे पास चल के आया है, अभी 5 घंटे पहले मैं इंसानों के पास जा रहा था, सब मुझे देख के भाग रहे थे, लेकिन तू मुझे देख के भागा नहीं, बता क्यों आया मेरे पास? अरे सिंचन चल भाई निकलते हैं यहाँ से, ये तो सिंचन सच में कोई भूत ही है। अरे ना 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 तुम मत भागो मत भागो, बस दो बार झिंगा लाला लू 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 कर दो, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा, प्लीज कर दो। क्या करना है मेरे को? झिंगा लाला लूलू क्या बोला था तूने? अरे वो कहाँ गया सिंचन? अरे लो तुमने झिंगा लाला लूलू बोल दिया ना, इसलिए फ्रैंकल भाई यार वो गायब हो गया। ओ सिंचन बैठ भाई बैठ, मैं जा रहा हूँ सिंचन घर पे, मुझे लग रहा है डर भाई सच में गायब, आज हमको भूत मिल गया रास्ते में। वेट यार ये क्या हुआ सिंचन, अपनी बाइक जो है भाई वो डायमंड के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गई यार? अभी तो गायज इसका रेड कलर था, लेकिन भाई जैसे मैं इसके अंदर बैठता हूँ ये भाई डायमंड में कन्वर्ट होगी। अरे मुझे लगता है यार तुम्हारे अंदर कोई पावर एक्टिवेट होगी। रुक सिंचन भाई, पावर एक्टिवेट हुई है नहीं हुई है पता लगेगा, यहाँ रिमोट कंट्रोल कार आ जाए। ओ वेट यार यहाँ पर रिमोट कंट्रोल कार आ गई, और वो भी एक नहीं सिंचन भाई, कितनी सारी आ गई। अरे वाह इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार, वो भी हमारे पास। अब तो देख सिंचन मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे कपड़े चेंज हुए और यहाँ पर चिंटू भी आ जाए। अरे वाह यार चिंटू आ गया। ए पापा जी मैं यहाँ पे कैसे आ गया? अरे लगता है तुमने रिमोट कंट्रोल कार खरीद ली पापा जी। अरे यार खरीदी नहीं है चिंटू, चल मैं तेरे को सब कुछ बाद में बताता हूँ। मैं अपने घर पे पहुंचा और मेरे घर पे बहुत सारी सुपर कार आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, बहुत सारा मेरे घर पर गोल भी आ जाए, पहुंच जाऊं मैं अपने घर पे। अरे वाह एक सेकंड के अंदर मैं अपने घर पे पहुंच गया, साथ ही साथ में सिंचन भी पहुंच गया। वैसे भी गैस हम अपने घर से ज्यादा दूर थोड़ी ना आते। और गैस ये चेक करो भाई, जो जो चीज मैंने बोली ना भाई वो हर एक चीज भाई मेरे घर के पास आ गई। मैंने बोली सुपर कार आ जाए, सुपर कार आ गई, हेलीकॉप्टर भी है गैस मेरी टेरिस पे, और साथ ही साथ में गैस मेरी टेरिस पे काफी सारा गोल्ड भी है। अब देख सिंचन मैं क्या सोचता हूँ, मैं हवा के अंदर उड़ने लग जाऊं है, उड़ा नहीं क्या मैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मेरे सामने काफी सारे हेलीकॉप्टर और आ जाए। अबे यार लगता है गैस
साइज पावर खत्म हो गई भाई, अब तो कुछ मेरे सामने आ ही नहीं रहा। मेरा मेरे सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू बन जाए, नहीं भाई कुछ भी नहीं हो रहा गैस, कुछ भी नहीं हो रहा। पक्का गैस मेरे अंदर जो पावर थी ना भाई वो खत्म हो चुकी है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, नहीं हो रहा गैस, गोल्ड के अंदर भी कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब गैस जो मेरे अंदर पावर एक्टिवेट हुई थी ना वो हो गई गैस खत्म। लेकिन ठीक है गैस पावर तो खत्म होगी, लेकिन भाई ये देखो भाई मेरे पास रिमोट कंट्रोल कार भी आ गई और साथ ही साथ में गैस गोल्ड आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, सुपर कार आ गया और क्या ही चाहिए भाई, इतना सारा सामान तो ऑलरेडी आ गया मेरे पास। बढ़िया यार मजे ही आ गए। वैसे गैस मेरे को हेलीकॉप्टर इतना कुछ अच्छा खास उड़ाना आता है नहीं, लेकिन कोई टेंशन की बात है नहीं गैस, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर आ गया ना, अब तो गैस हम इजीली यार इसको उड़ाना भी सीख लेंगे। अभी जा रहा हूँ गैस मैं पुराने वाले एयरपोर्ट के पास, वहां पर जाके गैस इसको लैंड करता हूँ। उसके बाद गैस मैं देखता हूँ भाई आखिरकार इसे उड़ाते कैसे। लेकिन फिर भी गैस मेरे को अब कहीं जाने की जरूरत है नहीं, मैं तो भाई इतना अच्छा ड्राइव कर रहा हूँ यार इसको। हाँ यार काफी सही ड्राइव कर रहा हूँ मैं तो हेलीकॉप्टर को, जो मेरे सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है ना उससे भी सही उड़ा रहा हूँ मैं तो इसको। और गैस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गैस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई त्यौहार फटाउट गैस अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और गैस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हाँ गैस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गैस बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मिलता है गैस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब गैस प्यार वाला बाय।